कि रुपया जो है डॉलर के मुकाबले अपने अब तक के न्यूनतम स्तर पर जा पहुंचा है। जी हां, 59.83 रुपए एक डॉलर के मुकाबले रुपया इस वक्त ट्रेड कर रहा है, जो अब तक का सबसे लो पॉइंट है। और आपको बता दें कि कल जो है बुधवार के दिन 58.70 पर रुपया जो है डॉलर के मुकाबले ट्रेड कर रहा था, लेकिन आज सुबह जब बाजार खुले तो 59.60 पर रुपया जो है ट्रेड कर रहा था। उसके बाद अब जो कीमत बताई जा रही है वो 59.83 रुपए हो गई है प्रति डॉलर। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रुपए में कितनी बड़ी गिरावट आई है, और रुपए की इस गिरावट को देखते हुए शेयर बाजार भी गिर गया है और 19,000 के नीचे चला गया है सेंसेक्स। जी हाँ, सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 450 अंक लुढ़का था, यानी कि बिकवाली का दौर रहा, 19,000 के नीचे लुढ़क गया है सेंसेक्स। बताया जा रहा है कि जो FIIs है उन्होंने जो है कम इन्वेस्टमेंट की है, जिसकी वजह से रुपए में गिरावट आई है। हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता वीरेंद्र सिंह गुनावत इस वक्त जुड़ रहे हैं। वीरेंद्र, क्या कुछ कह रहे हैं एक्सपर्ट, क्या कुछ वजह है रुपए की इस अब तक की सबसे बड़ी गिरावट के पीछे? जो आंकड़े सामने आ रहे हैं ये काफी चिंता वाले विषय है, क्योंकि सबसे पहले याद होगा 3-4 दिन पहले जब वित्त मंत्री उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने एक बात कही थी कि लोगों को चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, उसके बावजूद भी शेयर बाजार गिरा था। कहने का मतलब ये है कि आज जो हिस्टोरिकल जो लो गिरा है वो उसके दो वजह फैक्टर से जो विदेशों में अभी भी सिचुएशन संभी नहीं है, जिसके कारण जो विदेशी संस्थागत निवेशक है जो भारत को छोड़कर अपना सारा पैसा निकालकर भारत छोड़कर जा रहे हैं और दूसरे अट्रैक्टिव मार्केट में लगा रहे हैं, एक वो वजह है। दूसरा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है दूसरे देश का, जिसको लेकर भारत सरकार कुछ कर नहीं पा रही, ये एक बड़ा चिंता का विषय है। और जितने भी जो स्टॉक मार्केट एनालिस्ट है वो यही कह रहे हैं RBI और सरकार को जल्दी कोई ऐसे कड़े कदम उठाना चाहिए ताकि रुपया मजबूत हो। यदि रुपया इसी तरह का रहा तो आम जनता को काफी तकलीफ होगी, आम जनता की जो जीवन की चीजें हैं, तेल से लेके फ्यूल से लेके खाने पीने की चीजें और जितने भी जो इम्पोर्टेड आइटम्स है वो सब महंगे हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये है कि इस वक्त स्टॉक मार्केट में हलचल मची हुई है, 400 से ज्यादा अंक गिर चुके हैं और कहीं ना कहीं ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक चिंता का विषय आज बन चुका है कि रुपया जितना कमजोर होगा उतना भारत के लिए अच्छा नहीं है। बिल्कुल, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए चिंता का सबब एक तो पहले से ही महंगाई के दौर से जूझ रहे हैं, हालांकि वित्त मंत्री ने आश्वासन जरूर दिया था कुछ दिनों पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, लेकिन जो हालात हैं वो तो कम से कम अच्छे नजर नहीं आ रहे।